हाँ? और क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम स्कूल में आते हैं? यस, डिसिप्लिन और चलिए अभी हाँ स्पोर्ट्स के लिए और सर कुछ नया सीखने के लिए सो एक्टिविटीज के लिए। चलिए अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आपके पास में जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं तो एट दैट टाइम आपके पास जो सोशल अपब्रिंगिंग है आपकी, यानी आपको अपने दोस्तों के साथ में कैसे बिहेव करना है, तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है और आपकी जो अपग्रेडेशन है वो सोशल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द डोमेन्स ऑफ योर लाइफ, तो आपके लिए सबसे पहले जरूरत क्या है कि फिजिकली फिट होना है। सो फॉर दैट यू हैव मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन द स्कूल, इजंट इट और नॉट? ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपको जो है वो बहुत स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए आपके पास एकेडमिक एक्टिविटीज है, यू हैव योर यूटीज, यू हैव योर आरटीज एंड एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट के प्रोसेसेस हैं। सोशल स्किल्स में आपकी आपके दोस्तों के साथ में कोलैबोरेशंस होती हैं, कभी कभी छोटी मोटी फाइटिंग भी होती है, कभी रूसना भी होता है, कभी मनाना भी होता है, कोई दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, लर्निंग है कि नहीं है, है ना। इसके अलावा आप बहुत कुछ जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी सीखते हो कि जैसे आपको किसी टीचर के साथ या उनकी बातें, अच्छी बातें जो है वो आपको पसंद आती हैं और आप लाइफ लॉन्ग उन बातों को अपने साथ में लेकर के चलते हो, होता है कि नहीं होता है? तो आपके लिए मोटिवेशनल है, आपके लिए डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, आपके लिए आपका वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, आप में संस्कार डालने का बहुत बड़ा काम जो है वो स्कूलिंग सिस्टम करता है कि नहीं करता है?